हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर अलाहाबादी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहला पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी। क्या दोस्तों? हिस्टोलॉजी दोस्तों, इसका संबंध होता है ऊतक विज्ञान से। किससे? ऊतक विज्ञान से। और आप सबको पता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वही क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, मतलब ऊतक बनाती हैं। उसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही कहते हैं ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी। दोस्तों, अगला विज्ञान की शाखा कौन सी है देखते हैं। तो अगला दोस्तों विज्ञान की शाखा है माइकोलॉजी। क्या दोस्तों? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी विज्ञान संबंधित होता है कवक विज्ञान से। किससे संबंधित? कवक विज्ञान से, जिसे हम फफूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फफूंद भी कहते हैं, गांव की भाषा में जनरली इसको कहते हैं फफूंद कहते हैं। या आपने सुना होगा भुकुड़ी कहते हैं। कहते नहीं कि अचार में सफ़ेद सफ़ेद लग गया, भुकुड़ी लग गया, भैया इसको धूप में दिखा दो ताकि अचार ठीक हो जाए, खाने में मज़ा आएगा। हाँ, तो इसको दोस्तों कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला विज्ञान की शाखा क्या है? अगले विज्ञान की दोस्तों शाखा है, ध्यान से देखिए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल कृषि विज्ञान। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका प्रोनंसिएशन लिखा गया है और यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखी गई है, फिर इसका क्या मतलब होता है लिखा गया है, फिर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है लिखा गया, पूरा डिटेल में अच्छी तरह से समझाया गया, आप लोग ध्यान से देखिए। तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मतलब होता है फल कृषि विज्ञान, मतलब जिस इसमें ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जो पौधे जनरली फल देते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, अनार, मौसमी, इन सारे फलों वाले वृक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो इसे कहते हैं फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, साइटोलॉजी। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान सिंपल सी बात है, तो कोशिका विज्ञान हम किसका अध्ययन करेंगे? कोशिकाओं का अध्ययन, मतलब सेल्स का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल्स से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले विज्ञान की शाखा में हम लोग आ जाते हैं। अगला विज्ञान शाखा देखिए क्या है, लिखा गया है दोस्तों एल्गोलॉजी। क्या लिखा गया दोस्तों? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी मतलब होता है शैवाल विज्ञान। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसकी इंग्लिश है एल्गोलॉजी, और जिसका मतलब होता है शैवाल विज्ञान। तो शैवाल विज्ञान में दोस्तों हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ के बारे में जानते हैं? तो हम इसमें शैवालों के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? शैवालों के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप हम सब ने देखा होगा, बारिश के मौसम में कई मिट्टियों पर या फर्श पर भी कई जगहों पे ऐसे हरे हरे आपको स्पॉटेड चीज़ें दिखती, तो दोस्तों काई ही होती, जिसे हम जनरल भाषा में काई कहते हैं, जिसे वही शैवाल होता है। ये क्या होता है? काई या शैवाल, कई बार फिसल गिर पड़ते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझ गए जो एल्गोलॉजी है उसे क्या कहते हैं? शैवाल विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों हम सबका एंथोलॉजी।
क्या है दोस्तों? एंथोलॉजी। देखिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखी गई है एंथोलॉजी, और जिसका मतलब होता है पुष्प विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पुष्प विज्ञान। तो दोस्तों इसमें हम सब किसका अध्ययन करेंगे? इस पुष्प विज्ञान है तो इसमें अध्ययन होगा, पढ़ाई होगी, जानकारी मिलेगी पुष्पों के बारे में, जैसे रोज़ फ्लावर्स, लोटस फ्लावर, सनफ्लावर्स, इन सारे पुष्पों के बारे में हमें डिटेल में जानकारी एंथोलॉजी के अंतर्गत मिलती है। एंथोलॉजी मतलब पुष्प विज्ञान। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बीमारियों का भी कारण है, क्या? बैक्टीरियोलॉजी। देखिए दोस्तों यहाँ बैक्टीरियोलॉजी की अंग्रेजी लिखी गई है, जिसका मतलब होता है जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, और इसका अध्ययन ही, जीवाणुओं का अध्ययन ही कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। आई होप दोस्तों आप सबको पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। एंटमोलॉजी, इसमें हम किसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं? कीटों के बारे में, कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए दोस्तों डिफरेंट टाइप के कीट्स होते हैं, और इस किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आगे हम लोग क्लास में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिखा गया है, इससे भी बीमारी फैलाने वाली चीज़ है, क्या है? वायरोलॉजी। वायरस तो सुना होगा अभी, हाँ करंट में सुन ही रहे हैं, कोरोना वायरस फैल गया है ना। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। आप लोग भी दोस्तों वैक्सीन लगवा लीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से। तो दोस्तों तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। इसमें किसकी पढ़ाई की जाती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? स्टडी ऑफ वायरस, विषाणुओं का अध्ययन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, टिशू कल्चर। क्या है दोस्तों? टिशू कल्चर। टिशू कल्चर क्या होता है, थोड़ा डिटेल पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी पौधे का या किसी भी अंग का एक छोटा सा पार्ट निकाल करके उससे पूरा पार्ट बना दे, जैसे छोटे से किसी पौधे का पार्ट निकालेंगे तो उससे पूरा बड़ा पौधा बना दिया जाता है दोस्तों, यही टिशू कल्चर कहलाता है। यह एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, ठीक है? तो इसे हिंदी में बोलते हैं ऊतक संवर्धन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊतक संवर्धन। कृत्रिम माध्यम द्वारा ऊतकों का संवर्धन। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऊतक होगा, ऊतकों का संवर्धन, ठीक है? क्या होगा? ऊतक, ऊतकों का संवर्धन। द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल बाय द आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज टिशू कल्चर। आई होप दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा टिशू कल्चर क्या होता है, कि कृत्रिम विधि द्वारा लाइब्रेरी में आर्टिफिशियल विधि द्वारा किसी भी पौधे के छोटे से पार्ट से पूरा पौधा बना देना, यही कहलाता है टिशू कल्चर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।